हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मानसिक मंदता के कारण। मानसिक मंदता के कारण कौन कौन से हैं, उन कारणों पे बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से कारण हैं। प्रसव पूर्व, प्रसव के समय, प्रसव के बाद, प्रीनेटल, नेटल, पोस्ट नेटल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीनेटल पे। प्रीनेटल में ऐसे कौन कौन से कारण हैं। माँ की आयु, यानी कि माता की आयु ना तो 20 वर्ष से कम होनी चाहिए और ना ही 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा है कुपोषण, माता का खान पान, माता को कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके आहार में जो वो खा रही है या जिस जो भोजन वो ले रही है उसमें आयरन है, कैल्शियम की कमी है या प्रोटीन्स नहीं है, बस खनिज लवणों की कमी होना जिससे माता का कुपोषित होना। उसके बाद है मानसिक तनाव, माता जो है किसी मानसिक तनाव में रहती है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई है, ऐसी कोई कंडीशन है, हमेशा तनावग्रस्त रहती है या किसी का कुछ सोचती रहती है, हमेशा डिप्रेस्ड रहती है, ऐसी कोई कंडीशन है, उसका प्रभाव बच्चे के शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक विकास पे पड़े। उसके बाद है मादक पदार्थों का सेवन, माँ के द्वारा किसी प्रकार कोई नशीले पदार्थों का सेवन है, गर्भावस्था के समय माँ कोई नशीले पदार्थों का सेवन करती है, जैसा कि हम कह सकते हैं तंबाकू खाना या अल्कोहल लेना या गांजा, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर वो मादक पदार्थ सेवन करती है, नशीले पदार्थों का सेवन करती है, तो इसका प्रभाव हो सकता है बच्चे के शारीरिक विकास पर पड़े या मानसिक विकास पर पड़े, ये भी एक कारण है। फिर आता है गंभीर बीमारी, अगर माता को कोई गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी से मतलब है यहाँ पर टीबी होना, टीबी बहुत लंबे समय तक रहता है और गर्भावस्था के समय भी माँ को टीबी है या उसके यूट्रस में ट्यूमर है या फिर उसको थायराइड है, इन सब का जो प्रभाव पड़ता है बच्चे के शारीरिक विकास और मानसिक विकास पे भी पड़ता है। ये तो थे इसके प्रीनेटल स्टेज का, यानी कि प्रसव पूर्व गर्भावस्था के समय कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे बालक मानसिक मंद हो जाता है, यानी कि प्रीनेटल। दोस्तों अब हम देखते हैं पोस्टनेटल, इसका दूसरा जो कारण है पोस्टनेटल, नेटल, प्रसव के समय। क्या है प्रसव के समय? ड्यूरिंग टू डिलीवरी क्या क्या ऐसे घटनाएं घटती है जिससे कि बच्चा मानसिक मंद हो जाता है। इसमें लिखा है सबसे पहले गर्भनाल का फंसना, यानी कि प्लेजेंटा का फंस जाना, डिलीवरी के समय प्लेजेंटा का फंस जाना, बच्चे के गले में फंस जाना, जिसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बच्चा हाइपोक्सिया की कंडीशन में चला जाता है। हो सकता है इसका प्रभाव मानसिक विकास पर पड़े। उसके बाद है चोट लगना, चोट लगना कभी कभी होता है कि डॉक्टरों की लापरवाही से चोट लगना, बच्चा हाथ से फिसल जाना या उनके टूल्स लग जाना, वहाँ पर इंजरी हो जाना या बच्चे को किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना या क्लिप से निकल जाना बच्चा, उसका प्रभाव हो सकता है उसके ब्रेन पर पड़ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए उसका, या फिर कई प्रकार की किसी प्रकार की क्षति हो गई, चोट लग जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारक है कि बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। फिर है अधिक समय तक प्रसव पीड़ा। दोस्तों इस अधिक समय तक प्रसव पीड़ा का यहाँ जो स्पष्ट करता है कि अधिक समय तक बच्चे का जो जन्म है वो नहीं हो पा रहा है और प्रसव पीड़ा बहुत समय तक चल रही है और बच्चा जो है ना सांस ले पा रहा है, उसका दम घुट रहा है और ना ही बच्चे का जन्म हो पा रहा है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन लगातार अगर बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है और प्रसव पीड़ा तब तक चल रही है, इसका मतलब बच्चे का हो सकता है ब्रेन हेमरेज हो जाए, हाइपोक्सिया की कमी हो जाए, कई ऐसे अन्य कारण हैं जिससे बच्चा मानसिक दशा में जा सकता है, मानसिक मंदता की दशा में जा सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों अपरिपक्व विकार, अपरिपक्व प्रसव, यानी कि प्री मेचर डिलीवरी, अपरिपक्व अपूर्ण विकास उस बच्चे का जो जिस बच्चे ने जन्म लिया है प्रसव के पूरा समय ना होने पर, उससे पहले उसने जन्म नहीं लिया और उसका जो विकास है पूरा नहीं हो पाया है, जबकि ये गर्भावस्था का एक समय होता है कि बच्चा 1 से लेकर 9 महीने तक गर्भ में रहता है और वह हो सकता है 6 या 7 महीने में अपना जन्म ले ले और समय पूरा ना हो पाना, जहाँ अपरिपक्व प्रसव हो गया या प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई तो उस बच्चे का विकास पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है वह मानसिक विकास में देरी हो या मानसिक मंदता हो या उसके कारण हो सकता है एसोसिएटेड कंडीशन
हो सकती है बच्चे के साथ, जिससे कि बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। दोस्तों ये था नेटल यानी कि प्रसव के समय के जो कारण थे। अब हम देखते हैं पोस्ट नेटल यानी कि प्रसव के बाद, प्रसव के बाद की जो कंडीशंस होती हैं जब बच्चे का जन्म हो गया है उसके बाद। दोस्तों ये कंडीशन जरूरी नहीं है उसी समय पर हो जब बच्चे का जन्म हुआ है, ये कंडीशन कभी भी 18 वर्ष से पहले हो। इन कंडीशन में बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। सबसे पहले क्या है, कुपोषण, बच्चे का खान पान, बच्चे को अच्छे खनिज तत्व नहीं मिल रहे हैं, उसको कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है या वो किसी चीज़ से ग्रसित है, विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं बच्चे में या उसको विटामिन डी नहीं मिल रही है, कई प्रकार के ऐसे खनिज तत्व हैं जो बच्चों तक नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चा बहुत कमजोर है, कुपोषित हो गया है बच्चा। दूसरा है बच्चे को गंभीर बीमारी, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जैसे बच्चों को चिकन पॉक्सिया हो जाता है या मधुमेह हो जाता है, आजकल बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, मधुमेह हो जाना या फिर थायराइड हो जाना या फिर ज्वाइंटिस हो जाना, पीलिया हो जाना बच्चों को, उस प्रकार उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा हो सकता है मानसिक मंद हो, उसके मानसिक विकास में देरी हो पाई जा सकती है। दोस्तों उसके बाद आता है टीकाकरण। टीकाकरण जो है बच्चे के बाल अवस्था में, जन्म के बाद शुरू होता है, बाल अवस्था में जो 1.5 साल तक चलता है, जब तक बच्चा 1 साल 6 महीने का नहीं हो जाता है तब तक टीकाकरण चलता है। उस बीच में किसी टीके का छूट जाना और क्या होता है बच्चे के शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, उसका प्रभाव हो सकता है बच्चे के मनोदशा पे पड़े, बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। फिर आता है 18 वर्ष से पहले दिमाग पर चोट लगना या दिमागी चोट लगना। दोस्तों कभी भी बच्चा जन्म से लेके 18 वर्ष तक नहीं हो जाता, उससे पहले अगर बच्चे को चोट लगना, कोई एक्सीडेंट हो गया, बच्चे के सिर में चोट आ गई, उसको दिमागी बुखार आ गया, किसी भी प्रकार की इंजरी अगर उसके दिमाग पर होती है तो भी बच्चा मानसिक मंद हो जाता है। दोस्तों आज की हमने इस वीडियो में देखा कि मानसिक मंदता के कारण कौन कौन से, प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, जिनके हमने कई कारण जाने। दोस्तों अगर हम इन कारणों को बचाव कर सकते हैं तो मानसिक मंदता को रोका जा सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो में मानसिक मंदता के कारण। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी मानसिक मंदता के आगे का। और थैंक यू सो मच, देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।